सहमत के आधार पर जबरदस्ती बिना मध्य विभाजन किए राज्यसभा में इस कानून को पारित करवाया और कानून लागू करके आज किसान पीड़ा में है। और किसानों ने कहा कि जब कोरोना का महामारी चल रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, ऐसे में किसानों के ऊपर इस प्रकार का प्रहार होना बड़ा गलत है। और हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र प्रांत भाषा को भूलकर देश के किसानों का जो भला है, जो खुद वो अपने अहित मानते हैं इन बिलों को, उनको वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई है, पहली बात तो जो प्रकार का घटनाक्रम सामने आया 26 जनवरी को, वो नंदनीय है। मैं समझता हूँ उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने या संगठन ने कभी इस हमारे तिरंगे की या अपने देश की शान बान पर कभी अगर आँख उठाई है, उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके बहाने से किसानों पर केस करना, उनको अरेस्ट करना, उनको तंग करना, उससे लोग बहुत आहत हैं। और पूरे देश में बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, सभी किसान और मैं कहता हूँ हर भारतीय चाहता है कि तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। सरकार वार्ता कर रही है बार बार जी, लेकिन वार्ता का परिणाम क्या है? आप 10-11 बार बुला लिया उनको जी, वो तो बेवजह उनको थकाने की बात कर रहे हैं ताकि वो आके अपनी बात रखें। अंत में किसान ये चाह रहे हैं और हम सब और कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से किसानों की मांग के साथ खड़ी है। हर राज्य में, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी, हम सब ने कहा किसानों की मांग के साथ हम सब देशवासी और कांग्रेस साथ खड़े हैं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, कोरोना काल में डटकर खड़ा रहा है किसान, उन्हीं किसानों को कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति आतंकवादी करार दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण? जब लॉकडाउन था जी, कारखाने बंद थे, दुकानें बंद थी, फैक्ट्री बंद थी, सिर्फ किसान ने खेती नहीं छोड़ी जी, तभी आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। बिल्कुल, आज पूरा देश अगर मजबूत है तो किसानों के दम पर ही तो है। और किसानों के बच्चे खड़े सरहद पर जो फौज में है, वो कहाँ के हैं, किनके बच्चे होते हैं, वो सब किसानों के हैं। इसलिए किसान जवान को आमने सामने कर देना ये बड़ा गलत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसान जो मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और सिर्फ बातें ना करें। और इसमें कोई अहम की बात नहीं है ना, अगर कोई कानून पारित भी किया है तो वापस लेने में कोई हार जीत तो है नहीं। सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। और सभी लोगों की मांग ये है, देश भर के समूचे किसान संगठन, सभी अलग अलग पार्टी के लोग लगभग, और जब रूलिंग पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो उनका दामन छोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, तो किसानों के मुद्दों को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और इस प्रकार के टाल मटोल कर और जो 2-3 दिन पहले देखा हम दिल्ली के बॉर्डर पर, जिस प्रकार की घेराबंदी हुई, बैरिकेडिंग करी गई, कीलें गाड़ी गई, ऐसा